समर वेकेशन हो और मौसम भी सुहाना हो, मगर किसी पूर्वजा मकान की सैर ना हो तो ये सब कुछ अधूरा लगता है। हमारा भी कल से प्लान बन रहा था कि किसी अच्छे पुरसकून माहौल में जाकर मौसम को एंजॉय करते हैं। आखिर डिसाइड हुआ कि कल संडे है तो सुबह ब्रेकफास्ट बुफे आवारी टॉवर में करते हैं। नेक्स्ट डे हमने फजर की नमाज पढ़ते ही जाने की तैयारियां शुरू कर दी। सब जल्दी जल्दी में तैयार होते हुए नजर आए कि कहीं देर ना हो जाए, क्योंकि ब्रेकफास्ट बुफे की टाइमिंग सुबह 6 से 10 बजे तक की थी। 6:30 बजे हम घर से रवाना हुए। हम गाड़ी में सफर करते हुए इर्द गिर्द के हसीन नजारों से लुत्फ अंदोज हो रहे थे, क्योंकि हल्की हल्की फुहार पड़ रही थी जिसकी वजह से मौसम बहुत खुशगवार लग रहा था। और यूं आवारी टावर तक पहुंचते पहुंचते हमें पता भी नहीं चला और हम बहुत जल्द पहुंच गए। एक और दिलचस्प बात आपको बताऊं कि सुबह में कराची के रोड इतने खाली थे कि हमें लग रहा था कि हम हाईवे पर सफर कर रहे हैं, और स्पीडी ड्राइव में तो हमने और भी ज्यादा एंजॉय किया। कराची के बारे में आपको बताऊं, बहुत खूबसूरत शहर है और इसमें बेशुमार तफरीही मकामात भी हैं, और इसके साथ साथ रोशनियों का शहर भी है, क्योंकि अगर आप रात के 2 बजे भी कराची की सड़कों पर सफर कर रहे हो तो फूड स्ट्रीट्स भी भरी हुई मिलेंगी और ट्रैफिक भी रवान दवा नजर आएगा। दिन में बल्कि रात गए तक ट्रैफिक इतना कंजस्टेड होता है कि मिनटों का सफर घंटों में तय होता है। खैर, हम आवारी टावर की मेन एंट्रेंस पर पहुंचे तो गार्ड ने बहुत एहतराम से सैल्यूट करते हुए इशारा किया कि गाड़ी अंदर ले जाएं। यहाँ पर एंट्रेंस ही बहुत अच्छी लगी हमें। सीढ़ियां चढ़ते हुए हम फर्स्ट फ्लोर पर पहुंचे, जहां पर स्टाफ ने स्माइल और सलाम से हमारा इस्तकबाल किया और फौरन ही सीट्स अरेंज कर दी। सीट्स पर बैठते ही जो हमने आउटसाइड में देखा तो एक बहुत खूबसूरत स्विमिंग पूल का नजारा। वाह, हकीकत में ये बहुत पुरलुत्फ और माइंड ब्लोइंग सूथिंग व्यू था। हम जैसे ही पहुंचे तो ब्रेकफास्ट बुफे तैयार था। मैंने विजिट किया तो मुझे एज अ कुकिंग एक्सपर्ट आई फॉर्म्ड माय ओपिनियन कि ब्रेकफास्ट के लिहाज से तमाम बुफे आइटम बिल्कुल परफेक्ट थे। कीमा छोले पाए बिल्कुल लाजवाब और जायके से भरपूर। इसके अलावा पराठे, नान, अंडे, फ्रूट्स, बेकरी आइटम्स और इसके साथ साथ साफ सुथरा माहौल और बाखलाक स्टाफ मेंबर्स। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि स्टाफ ने खुद आकर मुझसे पूछा, मैम आप पूरी और ऑमलेट खाना पसंद करेंगी? तो जब मैंने ओके किया तो 1 मिनट के अंदर अंदर गरम गरम ताजा फूली हुई पूरी और ताजा ऑमलेट उसी वक्त टेबल पर मेरे सामने था और बार बार आकर पूछ रहे थे, मैम आप चाय पीना पसंद करेंगी या आपको जूस ला दूं? और एक्स्ट्रा कटलरी फौरन ही टेबल से रिमूव कर रहे थे। इसके साथ साथ एक और दिलचस्प बात कि बोहरी ब्रदर्स की फैमिलीज भी आवारी टावर के रेस्टोरेंट में ठहरी हुई थी और आवारी टावर में ब्रेकफास्ट बुफे करने आई हुई थी। इतनी बाखलाक फैमिलीज थी, जो भी पास से गुजरती थी अस्सलाम वालेकुम कहती हुई जाती थी, और चूंकि उर्दू लैंग्वेज तो वो नहीं समझती थी मगर देख कर मुस्कुरा रही थी और मैं उनके अखलाक से बहुत मुतासिर हुई। यहाँ पर एक स्वीट डिश मुझे बहुत अच्छी लगी, बहुत ही मजेदार थी, जो आइसक्रीम की तरह थी और इसमें क्रश ड्राई फ्रूट बहुत ज्यादा मिक्स थे। मैं इसका नाम नोट नहीं कर सकी, वरना मैं ये जरूर ट्राई करती और आवारी टावर में जाकर ये स्वीट डिश में बार बार खाना पसंद करूंगी। हकीकत में मुझे आवारी टावर में ब्रेकफास्ट बुफे करके और कुछ वक्त गुजार के बहुत मजा आया। फोटोग्राफी के लिए भी यहाँ बहुत अच्छी सीनरीज है। कुछ लोग हमें कहते हैं कि आप लोग हर वक्त घूमते फिरते रहते हैं। मैं उन्हें कहूंगी यही तो लाइफ है कि हम अपने आप को और अपने बच्चों को खुश रखें। समझदार इंसान अपने प्रेजेंट को अच्छा बनाता है। जो वक्त अभी गुजर रहा है इसे अच्छा गुजारें। फ्यूचर भी अल्लाह की जात पर तवक्कल रखें, अच्छा ही होगा। अगर हम ये सोचें कि पैसा बचा बचा कर रखें कल हमारे बच्चों के काम आएगा और इसी सोच में हम इनकी प्रेजेंट की खुशियों को रोंद डालें तो ये गलत सोच है कि अभी बच्चे एहसास महरूमी का शिकार हो जाएं और हम अपनी ये सोच बना दें कि ये फ्यूचर में खुशियां देखेंगे। फ्यूचर किसने देखा है? हमारी बचाई हुई दौलत इन्हें वो खुशी नहीं दे पाएगी जो कि अभी इन पर खर्च की हुई दौलत से ये खुशी मिल रही है इनको। फ्यूचर के लिए अल्लाह पर भरोसा रखें। अल्लाह ने हमें भी रिस्क दिया है और हमारी औलादों को भी रिस्क वही देता रहेगा और इंशाल्लाह ये हमसे बेहतर लाइफ गुजारेंगे। क्योंकि मैं अपने बचपन पर नजर डालूं तो इस वक्त साइकिलें या फिर ज्यादा से ज्यादा मोटरसाइकिल्स हुआ करते थे।
कार वगैरह तो एक आम आदमी तसव्वुर ही नहीं कर सकता था, जबकि इस दौर में हमारे बच्चे कारों में सफर कर रहे हैं और हवाई जहाजों में उड़ रहे हैं। हमारे बचपन में टीवी बहुत कम घरों में होता था, हम रेडियो के साथ कान लगाकर कहानियां सुन रहे होते थे। लेकिन आज हमारे बच्चों के पास माशाल्लाह सोशल मीडिया जैसी सहूलियात मौजूद है कि घर बैठे पूरी दुनिया को देख सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं और घर बैठे शॉपिंग कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह आने वाले दौर में अल्लाह से अच्छी तवक्कुआत रखें और मुझे उम्मीद है कि आजकल के बच्चे मुस्तकबिल में हमसे ज्यादा अच्छी लाइफ गुजारेंगे। मेरे बेटे के ऑफिस में एक आदमी ने कहा कि मैं अपने रूम में एसी नहीं चलाता कि ये सोचकर कि कल अगर मेरी इनकम इतनी ना रहे कि मैं एसी के अखराजात बर्दाश्त कर सकूं तो मुझे आदत ही ना हो एसी की। मैंने मुस्कुराते हुए अपने बेटे को समझाया कि लोग ऐसी सोच क्यों रखते हैं, मुस्तकबिल के बारे में अच्छी सोच रखें और मुस्तकबिल बुरा होने के खौफ से अपना आज खराब नहीं करें, आज अच्छा गुजारें। मुस्तकबिल भी जिसने पैदा किया है वही अच्छा रखेगा और वही रिस्क देता रहेगा। हो सकता है कि हमारा फ्यूचर हमारे प्रेजेंट से ज्यादा अच्छा हो। अपना ख्याल रखें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।